नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 18 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन करने को लेकर और जो तीसरा पेपर है उसको लेकर भी आप सबके लिए इस वीडियो में अच्छी खबर है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना। साथ में दोस्तों आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की शिक्षक भर्ती की आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सीटेट का एग्जाम दोस्तों साल में 2 बार आयोजित होता है, एक तो आपका जुलाई में, एक आपका दोस्तों दिसंबर में। अब दोस्तों जुलाई में क्या एग्जाम होगी इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट आए थे, क्या सर जुलाई में ही एग्जाम होगी? तो आपको बता दूं, आपकी जो एग्जाम है वो जुलाई में ही कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि अब CBSE बोर्ड है वो कोरोना का बहाना भी नहीं लगा सकता कि कोरोना की वजह से एग्जाम लेट हो रही है। अब समय पर ही एग्जाम कराना होगा, इसके लिए CBSE बोर्ड अभी से तैयारी में जुट गया है। जैसे ही आपकी छुट्टियाँ समाप्त होती है 18 अप्रैल के बाद आपके ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रात्रि 12 बजे से आपके फॉर्म भी चालू हो जाएंगे। इस बार 3 पेपर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक 2 पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड, प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड अब दोस्तों सेकेंडरी पेपर को बीच में जोड़ा जाएगा। कक्षा 9 से 11वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के पात्र आपको घोषित किया जाएगा। सीटेट में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 18 अप्रैल के आसपास चालू हो जाएगी। एग्जाम की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो एग्जाम आपकी जो है जुलाई में ही प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में ही परीक्षा होगी और कंटिन्यूस जो है आप तैयारी करते रहें, वही पैटर्न रहने वाला है दोनों पेपरों का। तीसरे पेपर का पैटर्न अलग रहेगा और जो CBSE बोर्ड है वो आपकी जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा है वो आयोजित करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एडमिट कार्ड 7 से 8 दिन पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है CTET NIC.in पर आपको देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहती है और आप ऑफिशियली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अब नोटिफिकेशन का इंतजार आपका खत्म होने वाला है, नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करने जा रहा है CBSE बोर्ड। जुलाई में ही सीटेट आपकी कराई जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, दोस्तों जरूर शेयर करना। तीसरे पेपर की जो योग्यता है या सिलेबस है वो अलग से जारी होगा, उसका अलग से सिलेबस रहेगा। हालांकि इसमें योग्यता की बात करूँ तो कम से कम आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd आपको इसमें दोस्तों अनिवार्य रूप से चाहिए होगा, तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। DLED वाले छात्रों की दोस्तों जो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो अलग से तो आप कर सकते हैं, वरना इसमें अलग से ऑप्शन आएंगे, उसको लेकर भी आपका पूरा पैटर्न जारी होगा, नोटिस जारी किया जाएगा CBSE बोर्ड के द्वारा। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को दोस्तों, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।